नमस्कार, स्वास्तिक बुटीक टॉलीगंज में आपका स्वागत है। मेरे पास क्वालिटी, कलेक्शन, फैशन सबका मिक्स है। जो यहाँ पे लैकिंग था अंडमान में क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो हम यहाँ लेके आए हैं और हमारे पास लेडीज वेयर की एवरीथिंग है। एक से एक कलेक्शन है हमारे पास, उचित दामों पर उपलब्ध है। क्वालिटी, कलेक्शन एंड फैशन, स्वास्तिक बुटीक, प्लीज जरूर आइए। F3 Ambience Mall आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 Ambience Mall में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 Ambience Mall। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 Ambience Mall। डिमांड 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारी टीम को बहुत ही गर्व का एहसास हुआ जब देश के ट्राइबल वेलफेयर कैबिनेट मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा जी ने अपनी ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की भक्ति पर हमसे दो बातें की और अपने अंडमान के दौरे पर भी बातें बताई। हम आपको बता दें कि मंत्री जी श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के बहुत बड़े भक्त हैं और द्वीपों में लंबा लाइन पर उनके मंदिर के दर्शन के लिए सुबह सुबह पहुंचे। ये मंदिर हमारे द्वीपों के पूर्व सांसद श्री विष्णु पदराय जी की कड़ी मेहनत से बनाई गई है और अंडमान में कई और द्वीपों में भी सत्संग के लिए ठाकुर जी के ऐसे मंदिर विष्णु पदराय जी ने बनवाई है। चलिए हमारे रिपोर्टर यामन जी की रिपोर्ट देखते हैं। चलिए अभी हम यूनियन ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा जी, हम उनसे बात करेंगे कि उनका अंडमान का जो दौरा है वो कैसा रहा। नमस्कार सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि श्री श्री ठाकुर जी के मंदिर में यहाँ पर प्रणाम करने के लिए पहुँच पाया। अंडमान निकोबार का 4 दिवसीय दौरे के क्रम में यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज मैं मंदिर प्रांगण में हूँ। मैं ग्रेट निकोबार गया था, कंबल बे गया था और उसके साथ कार निकोबार गया था। उसके बाद कई और स्थानों पर अभी लगातार हमारा विजिट है और यहाँ के जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है, आदिम जनजाति, चाहे वो जारवा हो, चाहे ओंगेज हो, चाहे सोमपेन हो या ग्रेट अंडामानीज हो, इसके साथ साथ ही जो निकोबारीज है, सबके विकासात्मक कार्य योजनाओं को और अधिक अच्छे ढंग से कैसे समझ सके, इसके लिए फिजिकली हम चीज़ों को देखें और बहुत सारा कार्यक्रम, जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम है, उसमें सारे लोग उसमें सम्मिलित होंगे। हम सब ने मिलकर के संकल्पित किया है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो यह जो अभियान है, यह अभियान मैं समझता हूँ कि पूरे देशवासियों का है और हम सबको मिलकर के सफल करना, और वो सत्संग से बेहतर ढंग से हो सकता है जब हमारी दिशा रचनात्मक से। धन्यवाद सर।
आज हम आए हैं सत्संग विहार लंबा लाइन पोर्ट ब्लेयर में, और यहाँ पे जो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का एक बहुत ही प्यारा भव्य मंदिर है, और यहाँ पर आज हमारे यूनियन ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा जी आज यहाँ पर आए थे दर्शन के लिए। इसी सिलसिले में हमारे पूर्व सांसद विष्णु दादा जी से जानते हैं कि उन्हें हमारे दर्शकों को इस पूरे विजिट को लेकर क्या कहना है। नमस्कार सर। जय गुरु। ऐसा मंदिर लिट्टन नमन में है, डिगलीपुर में है, हेबलॉक में है, अगला कैम्बल बे में बनाने के लिए प्रयास चल रहा है। ये दीक्षा लिया, ये सब ठाकुर की कृपा है। हम सब दीक्षा लिया, गुरु कृपा था, सब लोग मदद किया, भिक्षा मांग मांग के सब पूरा मंदिर का काम हुआ। और इसी दिन मंदिर से पकड़ के बहुत लोग बहुत कुछ हुआ। मैं जो कुछ हूँ पूरा पूरा गुरु कृपा है। जो भी मेरा अंदर बुराई तो बहुत है, दो चार तो भावा ही है, वो गुरु मंदिर गुरु का आदेश है और कुछ नहीं। श्री अर्जुन मुंडा जी जो आज यहाँ पर आए थे, मुख्य कारण क्या? अर्जुन मुंडा जी अपना सरकारी प्रोग्राम में आया तो हमसे मिलने गए, तो एयरपोर्ट में बोला, सब सामने में बोला, ऑफिसर लोग थे, सीएस थे, ये मेरा गुरु भाई है, गुरु भाई है, जाएंगे गुरु मंदिर जाएंगे। ये सीएस ने सब सामने बोला जब एयरपोर्ट रिसीव करने गया था, विजिटर्स में सेम कहानी बताया, ये हमारा गुरु भाई है, हम जाएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए। वो दर्शन का परंपरा आज पूरा हुआ। तो अर्जुन मुंडा जी भी श्री श्री ठाकुर जी के भक्त हैं। चलिए दीक्षा लिया। हमसे बात करने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने अभी हमारे पूर्व सांसद श्री विष्णुपद राय जी को सुना, और हमारे देश के जो ट्राइबल वेलफेयर कैबिनेट मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा जी जो आज यहाँ पर आए थे, इतने बड़े विशाल मंदिर इनका दर्शन किया, जिस तरीके से दादा ने बताया किस तरीके से इस मंदिर का निर्माण हुआ, किन किन लोगों की मदद से हुआ, सबको दादा धन्यवाद करते हैं। दादा से मेरा मतलब हमारे पूर्व सांसद श्री विष्णुपद राय जी, जिनकी मेहनत के बदौलत कई सालों से ये जो मंदिर यहाँ पर खड़ा है, जहाँ पर सत्संग होते हैं, बहुत सारे भक्तजन आते हैं, और इसी तरीके का मंदिर डिगलीपुर हटबे में भी मौजूद है और स्वराज द्वीप में भी बनने जा रही है। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। नमस्कार। पूर्व सांसद श्री विष्णु पदराय जी का कहना है कि जिसको भी सुकून की तलाश है वे इस मंदिर में आ सकते हैं, और यहाँ का दरवाजा हमेशा सबके लिए खुला है। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनिता, न्यूज अंडमान 24/7 से आज के इस कृषि विदा लेती हूँ। नमस्कार।